गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों के बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा था। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि फूड ऑब्टेन किया जाता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये एक्चुअली में है ना थ्री टाइप्स होता है, या थ्री टाइप के एनिमल होते हैं हेटरोट्रॉपिक। इनमें पहला आता है होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक। हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इन एंड देन ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, फूड सबस्टेंस को निगल लेते हैं और निगलने के बाद में फिर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट में इनके बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है। और होलोजोइक में कई प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट को टेकन करने का काम करते हैं, जिसे आप लोग क्या नाम है हर्बीवोर्स कहते हो, यानी इन्हें प्लांट ईटर कहा जाता है। और कुछ होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाकर अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें मीट ईटर कहा जाता है। इसके अलावा क्या नाम है कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए इन तीनों में, तो आता है पैरामीशियम, एवलेना, काऊ, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, एटीसी इत्यादि बहुत सारे आते हैं। तो ये एक्चुअली में आप समझ पा रहे हो, हर्बीवोर्स का मतलब ही हुआ प्लांट, हर मतलब घास और ओर्स मतलब जो है ग्रहण करने वाले, है ना। तो क्या प्लांट ऑब्टेन करने वाले टेकन, प्लांट टेकन, और उसके बाद में कार्निवोर्स यानी एनिमल या मीट ईटर, और उसके बाद में ओमनीवोर्स का मतलब ये हुआ कि जो हर्ब और क्या नाम है हर्ब को और प्लस एनिमल को दोनों को ईट करे, तो इसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेप्रोट्रॉपिक, है ना। देखिए ये वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया, सेप्रो जो वर्ड लिया गया ये सेप्रोस से लिया गया। सेप्रोस का मतलब होता है रॉटेन सबस्टेंस, रॉटेन मतलब डेड ऑर्गेनिज्म या सड़ रहे पदार्थ, है ना। और ट्रॉफे का मतलब होता है, ट्रॉफिक वर्ड लिया गया ट्रॉफे से, ट्रॉफे मतलब नरिशमेंट, जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करे, डेड एवं डिकाइंग मैटर से, है ना, प्राप्त करे, उसे हम क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर अपने एंजाइम को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद बॉडी के बाहर ही, यहाँ हमने क्या बताया था, इनके बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे अपना एंजाइम छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलेस्ट में इनके बॉडी के बाहर ही कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ये क्या करते हैं ऑब्टेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें फंजाई आता है, और उसके बाद में मशरूम है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सारे क्या करते हैं सेप्रोफिटिक एनिमल होते हैं या सेप्रोट्रॉपिक एनिमल होते हैं। ये क्या करते हैं सड़े गले रॉटन सबस्टेंस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक हम बात करें, पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। ये दूसरे जीव को मारने का काम नहीं करते हैं, कि डेड करने के बाद ही मतलब उनसे अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि उसके शरीर पर रहकर, किसी जीवधारी के शरीर पर रहकर और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। पैरासाइट्स जो होते हैं एक्चुअली में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है इंटरनल,
इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल की हम बात करें तो जैसे हम लोगों के जो ह्यूमन बींग्स है उसके एलिमेंट्री कैनाल में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे फाइसोला हेपेटिका हमारे माउथ में पाया जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा जिंजेबैरिस जो हम लोगों में पायरिया रोग काज करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल पैरासाइट्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं हम लोगों के सर में जू वगैरह पाया जाता है, जो हम उसके होस्ट हैं वो हमसे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो प्लाज्मोडियम है और लीच है, टेपवार्म है, प्लेटवार्म है और कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे कसकेटा यानी मीन्स आप लोग जानते होंगे अमरबेल है ना। ये क्या होता है कि अमरबेल दूसरे पौधों पे लसा रहता है और उसके बाद में उससे अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अमरबेल की हम बात करें तो ये बैर के पेड़ों पे अक्सर पाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ऑनलाइन कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।